ओके तो आज हम बात करने जा रहे हैं EIGRP वर्जन 6 के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिपेंजी कॉन्फ़िगर किया था, तो अभी हम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं EIGRP। लेकिन उससे पहले ये मैंने अपना एक टोपोलॉजी बनाया है और इस टोपोलॉजी के अंदर अभी आईपी एड्रेसिंग करनी है। तो पहले इसके अंदर IPv6 एड्रेसिंग कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं IPv6 एड्रेसिंग। और IPv6 एड्रेसिंग के लिए एड्रेसिंग करने के बाद हम EIGRP के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग में उस हिसाब से लगा के एक बार पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके तो फर्स्ट राउटर की तो मैं इस रिकॉर्ड में डाल देता हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड पॉज करके दोबारा से ऑन कर लेंगे, ठीक है? (13:1/64) मैंने जानबूझ के यहाँ पे आज 96 लिया है, यहाँ पे 64 लिया है, तो आप वो ले सकते हो। और अगर आप देखना भी चाहते हो तो देख भी सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है कि रिकॉर्डिंग हम सिर्फ IPv6 के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इस बार मैं IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग पहले ही लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ताकि आप बाद में भूल ना जाओ राउटिंग के टाइम पे। 12:2/96 IPv6 एड्रेस /112। तो इसको मैंने 96 लिया, इसको मैंने 112 लिया हुआ। इसी तरह पहले हम सारे डिजाइन की आईपी एड्रेसिंग कर देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर दी और मैंने सारे के सारे राउटर के ऊपर जो जो भी आईपी एड्रेसिंग करनी थी IPv6 की करनी थी वो यहाँ पे कर दिए। तो अब हम EIGRP कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। अब EIGRP कॉन्फ़िगर बिल्कुल आपका इंटरफेस बेस्ड के हिसाब से होगा। जैसे रिप को हमने इंटरफेस के ऊपर लगाया था, वैसे ही इनको भी हम इंटरफेस के ऊपर ही लगाएंगे। लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे से चेंजेस हैं इसके अंदर, तो वो हमने करने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ सिंटेक्स वाली चीज बताना चाहता हूँ। तो इसको EIGRP की जगह EIGRP V6 क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिंटेक्स ऐसे नहीं होता, राउटर EIGRP AS नंबर, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, हमें कमांड लगानी पड़ती है पहले IPv6 राउटर EIGRP AS नंबर। और ये कुछ राउटर्स के अंदर, कुछ राउटर्स ऐसे भी हैं जिनमें हमें EIGRP को नो शट डाउन करना पड़ता है, जबकि पहले हम सिर्फ इंटरफेस को नो शट डाउन करते थे, ठीक है जी? इसमें करना पड़ता है। और EIGRP और OSPF के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट होता है राउटर आईडी। तो रूल ये कहता है कि EIGRP के अंदर राउटर आईडी होनी चाहिए सेम, डिफरेंट भी ले सकते हो वैसे राउटर आईडी, लेकिन OSPF के अंदर राउटर आईडी होनी चाहिए यूनिक। तो अभी तो EIGRP कर रहे हैं तो मैंने कमांड लगा दी EIGRP राउटर आईडी, जो भी आप राउटर आईडी, लेकिन वो 32 बिट की आएगी, ठीक है जी? और मैं क्या बोल रहा था कि कुछ चेंजेस होते हैं इसमें, या तो आप EIGRP राउटर आईडी कमांड दे सकते हो या अकेली राउटर आईडी कमांड चलती है कुछ राउटर्स के ऊपर, ठीक है जी? तो ये आपने क्वेश्चन मार्क लगा के देख लेना, चाहे जो भी होगा, चाहे EIGRP राउटर आईडी दिखा लो, राउटर आईडी वैसे ज्यादातर यही लगती है बस। अब ये करना क्या है, हमने जो भी आपका इंटरफेस होगा, जो भी उस इंटरफेस का टाइप होगा, उस पे जाके सिर्फ क्या करना है, IPv6 EIGRP उसका AS नंबर, दैट्स। ये आपका सिंटैक्स है। अब चलते हैं हम अपने GNS के राउटर पे। दो पोर्ट है, 0/0, 1/0, 1/1। IPv6 राउटर, वैसे तो आप इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, ठीक है? IPv6 राउटर EIGRP, जो भी AS नंबर देना चाहते हो वो दे दिया, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें काफी सारी चीजें हैं, देखो इसमें शटडाउन वाली कमांड भी है, नो शटडाउन वाली भी। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नो शटडाउन। अब इस अगर आप यही चीज को सिस्को पैकेट ट्रेसर में करते तो आपको कमांड लगानी पड़नी थी EIGRP राउटर आईडी, लेकिन यहाँ पे ये कमांड अनरिकॉग्नाइज्ड है,
तो इट मींस ये कमांड यहाँ पे राउटर आईडी लगेगी, तो राउटर आईडी में दे देता हूँ रैंडमली, ठीक है, और नो शट डाउन कर दिया ऐसे, एग्जिट इंटरफेस सीरियल 1/0 IPv6 EIGRP AS नंबर, सीरियल 1/2 है या 1/1 है वो चेक कर लेते हैं, 1/1 IPv6 EIGRP, लो जी ये लगाई है हमने कमांड इसके अंदर, ठीक है जी। अब ये वाले R2 राउटर पे भी सेम यही है ना, 1/0 1/1, मैंने कॉपी किया इसको R2 के ऊपर लेके गया, EIGRP में यस नंबर सेम हो सकता है, तो मैंने ये लिखा दिया, राउटर आईडी सेम हो सकती है ना इसलिए। अब R4 पे 1/0 भी है, 1/1 भी है, 2 और 3 भी है, तो R4 के ऊपर क्या करना है, ये भी है 1/2 भी है, 1/3 भी है, तो ये भी लगा दी मैंने, ठीक है ना, इजी है ना फंडा। IPv6 EIGRP as compared to IPv6 IPv4 से सॉरी ज्यादा इजी है। अब ये 1/1 और 1/3 है, तो 1/1 और 1/3 एक और भी काम हो सकता है, आप इसको ऐसे करके देख लो, 1/3 कर दो इसकी जगह, ठीक है। अब इससे ज्यादा आसान तो मैं कुछ नहीं बता सकता आपको, ठीक, मान लगा दी। अब जो लास्ट राउटर है उसमें सीरियल 1/0 के साथ 2 लूपबैक हैं, इधर 1/2 के साथ लूपबैक, तो मैं इस पे गया 1/0 पे लगा दिया, इंटरफेस लूपबैक 1 पे लगा दिया और इंटरफेस लूपबैक 2 पे लगा दी, उठाया ऐसे R5 पे लेके गया, ये आ गया हमारा डन, और इसी तरह मैंने क्या किया R6 के ऊपर 1/2 कंट्रोल कॉपी किया, डन है। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने क्या किया, पहली कमांड तो सभी की सेम रखी है, लेकिन एक चीज मैं क्या बताना चाहता हूँ, OSPF के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं होगी कि आप राउटर आईडी सेम रख लो, OSPF के अंदर हर एक कमांड अलग अलग लगानी पड़ेगी इसमें, और ये सारा प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप ही करना है सारा ये। जब अब आप R1 के ऊपर इसके अंदर जाके शो IPv6 रूट लगाओगे, तो रिप में जैसे रूट R से शो हो रहे थे, EIGRP में रूट D से शो होंगे, ठीक है जी, D में रूट शो होंगे, ट्रेस रूट लगा लो 5:1, ये क्या बता रहा है 12002 24002 5001, सर 90 अगर 96 आ रहा है मतलब वो क्या चीज, 90 के 96 भी आ रहा था ना वो, हाँ तो वो आपने खुद लिए हुए हैं ना ये, कि आपने 96 वाला लिया है, 64 वाला लिया है या 128 वाला, मेरे कहने का मतलब है ट्रेस रूट का फंडा वही है, पहला पैकेट R2 पे जाएगा, R2 पे दूसरा पैकेट R4 पे जाएगा और तीसरा पैकेट सीधा R5 पे जाएगा, तो वो या तो 45002 बताएगा या सीधा 5001। लेकिन जब आप शो IP रूट के अंदर देखते हैं तो इसमें आपको नंबर ऑफ होप्स नहीं मिलेंगी, क्यों, क्योंकि ये भी आपका EIGRP V4 के कारण बैंडविड्थ डिले लोड रिलायबिलिटी MTU पे चल रहा है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, शो IPv6 प्रोटोकॉल आप इसमें भी कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो इंटरनल AD क्या है, एक्सटर्नल AD क्या है, मैट्रिक बिट्स क्या है, हाँ जी हाँ जी सारा इसके अंदर होप काउंट वाला नहीं, इसके अंदर हाँ इसमें वो कर सकते हो आप बाय डिफॉल्ट जो 255 करना है, वेरिएंस वाला काम भी वैसे कर सकते हो, कमांड्स वगैरह इंटरफेस चला दूंगी है क्या, इंटरफेस के अंदर लगी पहले वो लगाना, इसमें काउंट भी नहीं 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 इसमें जाना पड़ेगा पहले, आपको डिस्टेंस वाली कमांड की बात कर रहे हो तो ये आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क लगा लो आपको के डिस्टेंस की कमांड यहां अभी राउटर EIGRP राउटर EIGRP इंटरफेस के अंदर नहीं होती है ये, इसके अंदर होती है आपके, ठीक है जी। तो ये वाला काम सारा इसी के अंदर होगा और जो भी होगा डन हो जाएगा, तो ये हमारा पिंग है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट होती है जी, जैसे आपकी एक्सेस लिस्ट होती है ना वैसे ही फिल्टरिंग के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट भी यूज कर सकते हैं।
अभी मैंने आपको ACL करवाना है, एक टॉपिक OSPF की फिल्टरिंग भी रहेगी हुई है, और BGP में भी एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट रह गया है, तो मैंने अलग से दो तीन दिन रखे हुए हैं, उसी के अंदर हम सारा काम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगाएंगे, प्रीफिक्स लिस्ट उसके ऊपर लगाएंगे और काम करेंगे। ठीक है जी, टनल का कॉन्सेप्ट अलग है, टनल VPN में आएगी, GRE टनल है हमारे यहाँ पे, उसके बाद में IPv4 to V6 टनल भी बनाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारा EIGRP, और अब आपने लाइव इसका प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, बाकी इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका ये है कि आपकी कोड अच्छे से लगे होने चाहिए। ठीक है, अब ये आपको सिस्को में डिजाइन मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी आपकी IPv6 की एड्रेसिंग हुई पड़ी है, तो जैसे मेरा ये GNS का डिजाइन था वैसे ही अब यहाँ पे भी है, अब इसमें भी सारा काम वैसे ही होना चाहिए, बस फर्क सिर्फ इतना है, जैसे मान लो इस पे मुझे कमांड लगानी है, क्या लगाऊंगा मैं, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, IPv6 राउटर AGRP1, इसको भी कर दिया नो शट, इसमें राउटर आईडी लगती थी, इसमें राउटर आईडी लगती नहीं है, इसमें कमांड आती है जी EIGRP राउटर आईडी। ठीक है, बफर सिर्फ इतना सा था, तो कर दी, उसके बाद इंटरफेस FA0/0 पे IPv6 EIGRP1 इंटरफेस सीरियल 000 पे IPv6 EIGRP1 ये कमांड लगाई। ठीक है जी, मतलब सिर्फ राउटर आईडी की कमांड सिस्को के अंदर डिफरेंट है, अब यही कमांड इसके ऊपर लगा देंगे, सिर्फ एक सीरियल 001 को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, कमांड तो वही है ना, 001 को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसमें तीन इंटरफेस, और लास्ट वाले में तो तीसरा देना ही नहीं पड़ेगा, तो आराम से आप क्या करो, जैसे ही आप इसके ऊपर कमांड लगाएंगे, अब आप इसके अंदर भी अपना शो IPv6 रूट देखेंगे, तो सारे के सारे रूट डी से आने शुरू हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, सर AD वगैरह देख लो, कौन सी जी, शो IPv6 रूट में दिख रही है जी AD, ये देखो जी 90, इसके अलावा 90 90, अब है ही इसके दो तीन डायरेक्टर और ये 170 दबाने से अगर हम इसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन करें, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि कमांड्स के अंदर आगे कंफ्यूज मत होना, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर EIGRP, अब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे।